जीवन के काल चक्र में आगे बढ़ते हुए हम कई पुरानी यादों को एक ऐसे बक्से में बंद कर देते हैं जिसे हम जब भी खोलते हैं हम चले जाते हैं अतीत की उन बातों में जो कभी तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान देती है तो कभी हमारी आंखों में आंसू। 1 सितंबर का दिन भारतवर्ष में गुरु भक्तों के लिए एक ऐसा दिन है जिसे वो जब भी याद करते हैं वो खो जाते हैं वात्सल्य और गुरु भक्ति के उस सागर में जिसके रचयिता थे कड़वे प्रवचन सम्राट समाधिस्थ क्रांतिकारी राष्ट्र संत आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज। तरुण सागर जी महाराज महज एक इंसान का नाम नहीं है, तरुण सागर महाराज नाम है एक विचारधारा का, ये नाम है एक क्रांति का, ये नाम है एक ऐसी सोच का जिसने जब भी जो भी कार्य किया वो एक ऐसे उद्देश्य से किया जिसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। अहिंसा के संदेश को एक क्रांति की भांति जन जन तक पहुंचाने का प्रयास इस धरा पर वही कर सकता है जिन्होंने संयम को धारा हो। बचपन में महज एक वाक्य से अपनी जिंदगी के ध्येय को साधने वाला इंसान ही तरुण सागर बन सकता है। बचपन में जलेबी खाते हुए उन्होंने जब सुना कि तुम भी भगवान बन सकते हो, बस उनका जीवन परिवर्तन हो गया। भगवान बनने की राह आसान कहां होती है, उसमें होता है अप्रतिम त्याग, उसमें होती है कठोर साधना, उसमें होता है एक अलग दृढ़ विश्वास। वो एक ऐसे संत बने जिनके हर दिन का इंतजार उनके भक्त करते थे, फिर चाहे वो उनकी शुल्लक दीक्षा दिवस हो, मुनि दीक्षा दिवस हो, जन्म दिवस हो, गुरु पूर्णिमा महोत्सव हो या फिर गुरुदेव के साथ ध्यान करने का दिन। परंतु एक दिन ऐसा आया जिसकी कल्पना कभी भी किसी ने भी नहीं की थी और वो दिन था गुरुदेव की समाधि का दिन। ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी से सूरज कहीं दूर अस्ताचल में हमेशा के लिए जाकर डूब गया, हमारे जीवन में एक घनघोर अंधकार छा गया। जिनसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती हो यदि वो ही छोड़कर चले जाएं तो क्या स्थिति होती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, पर जाने के बाद भी उनका संदेश अमर है क्योंकि वो एक ऐसी धारा थे जिसका बहाव कभी रुक ही नहीं सकता। मुझे बार बार याद आ रहा है वो दिन जब नई सदी के आगाज पर गुरुदेव ने लाल किले से हुंकार भरी थी और एक लय पूरे देश में चल पड़ी थी। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का, उस दिन के बाद से अभियान नहीं रुका। इंदौर के राजवाड़ा में जब गुरुदेव ने कहा कि मैं महावीर को मंदिरों से मुक्त करना चाहता हूं तो ये देश एक अलग क्रांति से रूबरू हो रहा था। गुरुदेव के पीछे कारवां बढ़ता ही चला गया, भारतीय सेना को संदेश, विधानसभा में आशीर्वचन और न जाने ऐसे कितने ही क्रांति कदम गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व को सुशोभित करते हैं। जैन समाज परंपरा में गुरु दीक्षा देकर उन्होंने एक ऐसा परिवार बनाया जो आज भी उनके अनुपथगामी है। हर शहर, हर कस्बे, हर प्रदेश में हजारों हजार की संख्या में गुरु भक्त आज भी 1 सितंबर के दिन सुबह से अपने मन की उदासियत को दूर करने के लिए गुरुदेव की अच्छी बातों को, उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं। जानते सब हैं कि गुरुदेव भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ है। मैं लघु मुनि पर्वसागर, जिसने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के आदर्शों को समझने में, उनके बताए मार्ग को जन जन तक पहुंचाने में, उनके नाम को अपने जीवन का ध्येय बनाने में, इस भारत में एक तरुण पर्व बनाने में लगाया है, कई बार उन्हें अपने पास महसूस करता हूं। जब भी जीवन में कुछ विचार कर रहा होता हूं और लगता है कि किसी का सुझाव चाहिए, मुझे गुरुदेव अपना आशीष देने, मुझे अपना आशीष देने, मुझे अपना आदेश देने, मुझे सही मार्ग बताने मेरे गुरुदेव हमेशा आ जाते हैं। संत कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं। बस आंख बंद कीजिए और कोशिश कीजिए, वो आपको अपना आशीष देते दिख जाएंगे।